धमकियां दी जा रही हैं, बिल्कुल हमें थ्रेट दी जा रही हैं कि भाई तुम आगे गए तो हम तुम्हें ये मतलब मुख्तलिफ ज़राए से हमें धमकियाँ दे रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि भाई इनका राइट है, इनको बनाने दो, SBCA कुछ करेगी तो करेगी। DIG वेस्ट कराची को हमने एप्लीकेशन दी है कि इस पर ये देखें, गौर करें कि भाई हम पे थ्रेट्स आ रही हैं और ये लोग घूरते वगैरह जा रहे हैं, हम लोग अहले मकानों को खौफ और हिरासा किया जा रहा है पोषण बनाने पर कि भाई बनाने दो, ये एक माफिया है। आप अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ, मैं हूँ फातिमा अख्तर। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची का इलाका है दस्तगीर नंबर 15। मुकदमा न्यूज़ की टीम को यहाँ के अहले इलाका की जानिब से मुसलसल कॉल मौसूल हो रही थी। उनकी ये शिकायत थी कि यहाँ पर ब्लॉक 15 में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो बिल्डर हैं वो पोर्शंस बना रहे हैं और पोर्शंस की भरमार है और गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर हर गली, हर दो मकान या एक मकान के बाद यहाँ पर पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। अहले मोहल्ला की जानिब से जिनकी तरफ से शिकायत मौसूल हुई और जिनकी तरफ से हमें बुलाया गया, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इदारे कहाँ मौजूद हैं, SBCA वाले कहाँ मौजूद हैं और जो बिल्डर है वो कौन है। तो मेरे साथ चलिए। तो ये हम एक उसमें आ गए हैं जो गैर कानूनी पोर्शंस बन रहे हैं इस पूरे इलाके में ब्लॉक 15 में दस्तगीर के, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बैन है। ये वाजे रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे कराची में पोर्शंस की जो तामीरात है, ख़रीदो फरोख्त है, उस पर बैन लगाया गया है। उसके बावजूद ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, बिल्कुल ये पोर्शंस तामीर हो रहे हैं और दस्तगीर में तकरीबन 35 से 40 ऐसे मकानात हैं जो पोर्शंस बना भी रहे हैं और यहाँ के जो बिल्डर हैं उनके बारे में भी जानेंगे और काम भी कर रहे हैं। और इसी जो ये पोर्शन बन रहा है इसी के बराबर में ये दो जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं इसमें भी पोर्शंस बनाए गए हैं, और जो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये गैर कानूनी पोर्शंस जो बन रहे हैं, और आप जिस तरह से देख रहे हैं SBCA की यहाँ पर सुना है कि सरपरस्ती है। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें बुलाया और इस गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो आवाज़ हमेशा मुकदमा न्यूज़ उठाता है उसके हवाले से हम आवाम को भी बता रहे हैं कि दस्तगीर नंबर 15 है और यहाँ पर गैर कानूनी पोर्शंस की भरमार है, तामीरात हम दिखा रहे हैं आपको कि तामीरात भी है, इदारों की सरपरस्ती भी हासिल है यहाँ के बिल्डर्स को। बात करते हैं अहले मोहल्ला से। अस्सलामु अलैकुम, क्या कहेंगे यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं भरमार है पोर्शंस। वालेकुम सलाम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये कि हम आला हुकाम से रबते में हैं, ये अभी आपके सामने जो पोर्शन दिख रहा है इसको डिमोलिश किया गया था, लेकिन आज देखें ये बड़े ज़ोरों शोरों से दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। कोविड आपको पता है, लॉकडाउन है, लेकिन रात 12-1 बजे तक यहाँ पर काम चल रहा है और मज़ीद तेज़ी आ गई है। प्लस आपने आपको आपको विज़िट कराया था मैंने ब्लॉक 15 का, तो यहाँ पर जो है बेतहाशा दिन रात काम किया जा रहा है। हमने MNA MPA साहब से भी रब्ता किया तो बोलते हैं कि हमारा कोई इसमें लिंक नहीं है, हम कुछ ही नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये मेरे हाथ में कोर्ट मैटर है, कोर्ट CP आप लोग ने दर्ज की, हमने दर्ज करी है, ये इसी प्लॉट के ख़िलाफ़ है और दूसरे जो 5-6-8-10 प्लॉट यहाँ पे करीब में है वो सब मैंने विज़िट कराए हैं, तो उन सब के ही नाम है, लेकिन वहाँ पर काम ऐसे तेज़ी से चल रहा है, ये सब मिले जुले हैं, ऐसा लगता है जैसे जो ना कड़ियाँ मिली हुई हैं इनकी ना। इदारे मुलव्वज़ आप समझते हैं इसमें? बिल्कुल मुलव्वज़ हैं। अभी आप देखें, हमने पब्लिक डीलिंग के लिए गए थे वहाँ पे DG साहब के पास ना, SBCA के, तो वहाँ पे बोल दिया पब्लिक डीलिंग बिल्कुल बंद है। तो भाई इनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इजाज़त दे दी गई है कि भाई आप मतलब हम वहाँ पहुँचते हैं यहाँ पे फ़ोन आ जाता है इनके पास कि भाई फला बंदा आया, तो ये इदारे तो मौजूद हैं और कौन है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, ये बिल्डर कौन है यहाँ पर जो ये गैर कानून तामीरात कर रहा है? स्पेसिफिक में अगर आपको नाम दूँ तो 4-5 हैं, बाकी उनके साथ के जो है चेले हैं मोहल्ले के लोगों को, उन्होंने लड़कों को इकट्ठा कर लिया जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, वो इनके साथ मिलके काम कर। मुझे नाम बताइए। जुनेद वोरा हैं, बाकी जितनी आप स्टेटें देख लें वो सारी खुली हुई हैं, उनके पीछे सारे जो है ये बिल्डर्स का ही काम कर रहे हैं। सर आपने आप लोगों ने CPP दायर की है तो उस पर कोई स्टे मिला या इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? कुछ भी वहाँ से तो कोई रिस्पांस हमें अभी नहीं मिला, क्योंकि ये ईद की छुट्टियों का और ये कोविड की वजह से थोड़ा सा कोर्ट वगैरह बंद है, तो वहाँ पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी जो है वो
बेशक आगे कुछ नज़र नहीं आ रही, बहुत क्विक रिस्पांस वहाँ से नहीं मिल रहा है, जबकि ये SBCA का काम है। SBCA जो है वो इस पर, क्योंकि एक दफ़ा इस पर डेमोलिशन हो चुकी है तो उसके बाद से दोबारा इस पर काम कैसे हो रहा है, नंबर एक चीज़। नंबर दो, दूसरी काम एक तो मुसलसल बड़ी तेज़ी से हो रहा है और जो है रात दिन इस पर काम हो रहा है। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बिल्डर से या जिनकी ये मिल्कियत है उनसे बात की कि ये तो पोर्शंस गैर कानूनी है और ये कोर्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है, अगेंस्ट कोर्ट है? देखें, वो इस पर कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो ये एरिया उनके लिए एक की पॉइंट बना हुआ है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि यहाँ प्लॉट के जो साइज़ हैं वो दूसरी जगह से 120 से बड़े हैं, तो यहाँ पे इनको काम करना थोड़ा इजी होता है। सेलिंग पॉइंट व्यू से भी ये लोग काफ़ी यहाँ पे सक्सेसफुल हैं। और दूसरा ये कि इलाका मकीन जो है वो इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते ज़्यादातर लोग, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है काम करने का। तो डायरेक्टली हमने बिल्डर्स से भी अप्रोच किया था, बट ये कि आपको पता है कि कुछ चंद पैसों के खातिर वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि यहाँ के बिल्डर्स जो हैं यहाँ के मकामी एल मोहल्ला के हैं ही हैं या वो कई बार के बिल्डर जो हैं बाहर से आ रहे हैं, लेकिन जो इस्टेट है यहाँ पे खोल के बैठ गए हैं ये लोग, तो इलाके के हैं लेकिन बिल्डर इन्वेस्टर तो बाहर के हैं, गुलशन में हैं, इधर हैं, काम ये यहाँ पे करवा रहे हैं, पोषण वगैरह बनवा के, सेवरेज का निदाम इन लोगों ने, आपने देखा होगा कैसे धर्म भरम करा हुआ है। हमारी भी फुटेज बना रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारी भी फोटो देखा हमने, ये हमें धमकियां भी दी हैं इन्होंने। अच्छा, धमकियां दी? बिल्कुल, धमकियां दी जा रही हैं हमें, हमने जाके धमकियां दी जा रही हैं, बिल्कुल हमें थ्रेट दी जा रही हैं कि भाई तुम आगे गए तो हम तुम्हें ये, मतलब मुख्तलिफ ज़राए से हमें धमकियाँ दे रहे हैं जी। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन की उन धमकियों के हवाले से, कोई पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही है कि भाई इनका राइट है, इनको बनाने दो, SBCA कुछ करेगी तो करेगी। SBCA वालों ने कहा, मतलब ये SHO साहब के पास गए थे हम एप्लीकेशन लेके, उन्होंने रिसीविंग करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा आप SBCA के पास जाइएगा, SBCA में भी पुलिस होती है तो वो आपकी हेल्प आउट करेगी। DIG वेस्ट कराची को हमने एप्लीकेशन दिए कि इस पर ये देखें, गौर करें कि भाई हम पे थ्रेट्स आ रही हैं और ये लोग घूरते वगैरह जा रहे हैं, हम लोग अहले मकानों को खौफ व हिरासा किया जा रहा है पोषण बनाने पर, कि भाई बनाने दो, ये एक माफिया है, आपको पता है ये काफ़ी बड़ी माफिया है, हमने इनकी तस्वीरें ली। अस्सलाम वालेकुम सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस पर CP भी लगी हुई है और आपके पास CP की पेपर भी मौजूद है, उसके बाद ये तामीर हो चुकी है और इस पर जो है लोग हैं यहाँ पर या नहीं है? देखिए, लोग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, और दूसरा ये कि मैंने ये देखा था पहले बनते हुए, उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर दोबारा कोई चीज़ें आईं, थर्ड फ्लोर या सेकेंड फ्लोर की तैयारी वगैरह थी, फिर दोबारा फिर ये हुआ कि बनने का था, एकदम रुक गया हम लोगों की काविशों की वजह से। अच्छा, एक मुझे ये बताइएगा, एक फ्लोर पे कितने फ्लोर पर कितने पोर्शंस बन रहे हैं? फ्लोर पे तो देखेंगे, एक दो तीन, दो का है अभी और तीसरे का भी बनने का है, सामान वगैरह आया था यहाँ पे लोगों की काविशों की वजह से वापस रिटर्न हो गया। बाकी आप ये पेपर दे सकती हैं, हाई कोर्ट के पेपर हैं, चीफ सेक्रेटरी को भी मार के, सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी जो SBCA का इदारा है उसको भी है, जोराबाद पर भी, और कोई आरिफ हैं बिल्डर वो बना रहे हैं इसको। ये जो मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं मेरे सामने बिल्डर्स के, कोई जुनेद हैं, कोई आरिफ साहब आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आरिफ साहब हैं। ये देख लें, ये CP भी है, अब ये काम रोक दिया क्योंकि अहले मोहल्ला ने आवाज़ उठाई है गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़, इन पोर्शंस के ख़िलाफ़। मगर सवाल ये बनता है, ये जो बिल्डर्स बन गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये आबाद के मेंबर हैं या नहीं है, यकीनन नहीं होंगे क्योंकि आबाद कभी भी किसी गैर कानूनी तामीरात को अप्रोच नहीं करता, उनके लिए उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। अच्छा, मुझे इन बिल्डर का बताएगा, आप लोगों ने इनसे बात की? देखिए, बिल्डर की मालूम तो हमारे हवाले से कम है क्योंकि वो लोग प्रेजेंस नहीं होते, नॉर्मली एक आध सर्वे लिया या पीछे और लोगों को पीछे होते हैं इन लोगों के, जो इन लोगों को जो अलाय होते हैं या सपोर्टर होते हैं इन लोगों के। अभी फ़िलहाल ये सिलसिला है कि देखिए, पोर्शन तो बन देनी चाहिए, और दूसरा ये SBCA भी यही काम कर रही है। देखिए, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, SBCA आए वो काम करे अपना। इस इलाके में ला रहे हैं, एक महीने में कम अज़ कम 20 से 25 जो नए पोर्शन बनते हैं इसमें। सही, आपको पता है ये 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर 3 मंजिला पूरा तैयार कर देते हैं, और ये कॉस्मेटिक
तोड़ते हैं आके यहाँ पर, और उसको ऐसा तोड़ काटा जाता है जिस तरह के दोबारा उसकी तामीरात आराम से हो जाएँ। अभी जैसे हम लोग पीछे गली में गए थे तो उसको इस तरह काटा गया कि उसकी आप लगाने अभी आप कह नहीं सकते उसको, एक हफ्ते पहले उसको कॉस्मेटिक, एक हफ्ते पहले ही डिमोलिश किया था उसको, मतलब उस तरह से कि ये बन जाए बाद में। जी जी जी, असल वही है, पूरा माफिया है ये, पैसा जो रोलिंग हो रहा है सारा ब्लैक मनी कराची के अंदर, वाइट को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ ये लोग समझ नहीं रहे कि आने वाले जो मास्टर प्लान है हमारा तबाह किया जा रहा है। ये फेडरल एरिया जो है, यहाँ पर फेडरल के लोग रहते थे पहले, अब आज लगा लें यहाँ क्या हाल है। यहाँ का मास्टर प्लान पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मजबूत तरीके से बनाया गया था। यहाँ के जो भी नाजमीन हैं या जो भी करता धरता हैं, इनसे मुतअद्दिद बार कंप्लेन की गई है, एप्लीकेशंस दी गई हैं मुतअद्दिद इदारों में, बाकायदा प्रोटेस्ट रोड पे किया गया है, वो हमें ही आके वापस कर रहे होते हैं और कोई फसाने हाल नहीं है। पानी नहीं है घरों में, ये पीछे ब्लॉक 15 के इस वाले एरिया में पीने का पानी नहीं है, सब ने अपनी अपनी बोरिंग कराई हुई है। जो काम करने का है उस पर इदारे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो करप्शन है, पोषण सिस्टम है, उस पर गाय बगाए गली में दो दो तीन तीन चार चार मकान बन रहे होते हैं और मतलब कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, मुझे फिर से मैं ये अपने नाज़रीन को और जो आला हुकाम इदारे हैं उनकी तरफ ये बावर करवाना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ काइंडली आप मुझे उन बिल्डर्स के नाम बता दें जिन जो आप लोगों को पता है जो गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं। बिल्डर्स नहीं, प्राइवेट लोग हैं जो कि मुख्तलिफ पुलिस के इदारों या दूसरे इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनको परमिशन भी मिल जाए। पर सर्टिफिकेट या बात की कोई मेंबर नहीं है जो हमसे काम नहीं करते। जी, वो यही कह रहे होते हैं कि हमारा अपना मकान है, हम खुद रहेंगे यहाँ पे, यहाँ किराए पे देंगे। तो जिस तरह से आपने दस्तगीर नंबर 15 की सूरत हाल देखी और गैर कानूनी तामीरात का जो सिलसिला है वो तेज़ी से जारी है, माफिया जो है वो कब्ज़ा माफिया कह लें आपको, गैर कानूनी तामीरात में जो लोग मुलव्वस हैं उनकी भरमार है। SBCA को, आला हुकाम को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो हुकाम बैठे हुए हैं, सिंध की हुकूमत को, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो पूरे कराची में जारी है और जो माफिया, जो कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और स्पेशली जो आवाज़ आज दस्तगीर नंबर 15 के लोगों ने उठाई है वो आप तक पहुँचा रहे हैं, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो भरमार की हुई है पोशंस की इन्होंने, और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि कराची को बचाया जाए, कराची के लोगों को बचाया जाए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।